अस्सलामु अलैकुम जी, वेलकम टू अनदर धमाकेदार वीडियो ऑफ मिस स्पाइसी रिव्यू। मैं हूँ आपके साथ मारियाली। उम्मीद करती हूँ कि आप खैर वाफियत से होंगे। बेबी शावर इजहान और नया दुल्हा सानिया मिर्जा ने नई तस्वीरें और पोस्ट को शेयर करके एक बड़ा इशारा दे दिया है। शोएब मलिक से खुला के बाद सानिया मिर्जा ने अपनी खुशी की असल वजह जो है वो बयान कर दी है। वो बहुत खुश हैं और वो हर एक को बता रही हैं कि ज़िंदगी में अगर गलत लोग आपको मिल जाएँ तो उनसे छुटकारा हासिल करना ही असल जो है वो ज़िंदगी है। उनसे छुटकारा हासिल करें और अपनी ज़िंदगी को एक नए तरफ जो है उसको गामजन करें और नए गोल्स के साथ ज़िंदगी को जीने की कोशिश करें। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। सानिया मिर्जा ने हमेशा की तरह इनडायरेक्ट मैसेजेस देकर अपनी दूसरी शादी की जो एक प्लानिंग चल रही है उसको जो है वो सबके सामने रखा है, इजहार किया है। शोएब मलिक तो तीसरी शादी करके सुकून से जो है उनके हनीमून ही ख़त्म नहीं होते। सना जावेद ने तो अपने सारे काम वगैरह छोड़ दिए हैं। वो शोएब के साथ मुल्क को मुल्क घूम रही हैं और वो साबित कर चुके हैं कि उनकी प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ उनकी तीसरी बीवी है, बेटे से उनको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आप देखें कि सानिया मिर्जा ये बता रही हैं कि उनकी प्रायोरिटी सिर्फ़ और सिर्फ इजहान है। अगर मैं दूसरी शादी करने भी लगी हूँ तो मैं इजहान को सामने रखकर उस इंसान का इंतखाब करूँगी जो इजहान को उसके बाप जितना प्यार दे। बाप ने तो खैर उनका ज़्यादा इंटरेक्शन रहा नहीं है, बहुत कम रहा है बाप जो है इजहान के साथ। वो अक्सर टूर्स पर ही होते थे और जब रहने का प्लान बना तो उनको एक और औरत मिल गई, उसके साथ उन्होंने अपनी ज़िंदगी शुरू कर दी। सानिया मिर्जा ने जी बेटे इजहान के साथ जो है नई तस्वीरें शेयर की हैं। आजकल वो शेयर नहीं करती अपने बेटे की तस्वीरें क्योंकि उनको ये चीज़ का खौफ है, डर है कि जो है मेरे बच्चे को बुरी नज़र ना लग जाए। ईविल आइज़ जो हैं आपको पता है हर जगह होती हैं और कुछ लोग तो मेरे ख्याल में लोगों की ज़िंदगियों को ही नज़र लगा के खा जाते हैं। अच्छा जी, जो तस्वीरें उन्होंने शेयर की हैं इनको देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सानिया मिर्ज़ा जो है वो अपने प्रोफेशनल करियर के साथ या प्रोफेशनल लाइफ के साथ जो है अपने बेटे को भरपूर वक्त दे रही हैं। उनको लेकर एयरपोर्ट पे भी वो नज़र आईं और उन्होंने बड़ा पोज दिया और इजहान बड़ा रिलैक्स था, मीडिया के साथ बड़ा कम्फर्टेबल था, खुश था, खड़ा होकर हाथ हिला रहा था। सानिया मिर्ज़ा ने बेटे की हमरा तस्वीरों के साथ चंद और तस्वीरें भी शेयर की हैं जिनमें उन्हें अपनी दोस्त के बेबी शावर पर जो है देखा जा सकता है। बड़ा इंजॉय कर रही हैं, बड़ी भरपूर ज़िंदगी नज़र आ रही है उनके अंदर। उनकी आंखों में वो चमक आहिस्ता आहिस्ता वापस आ रही है जिसको उन्होंने खो दिया था। ये देखिए, कोई आसान चीज़ नहीं होती, कोई भी हो ज़िंदगी में आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल होता है। जिससे आपने बहुत मोहब्बत की हो, पूरे इंडिया के ख़िलाफ़ जाके जो है अपने रिश्तेदारों के ख़िलाफ़ जाके आप शादी करते हैं एक बंदे से, उसके बाद वो बंदा ही आपके साथ ना खड़ा हो, पूरी दुनिया के सामने आपको रुसवा कर दे, तो खुद सोचें ना आप कि कहाँ आपकी जो है इज़्ज़त या प्यार के लिए आपकी क्या अहमियत रह जाती है। तो सानिया काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में रहीं लेकिन फिर उन्होंने अपने आप को खुद ही सही करना शुरू किया और बेटे पर तवज्जो देना शुरू कर दी। तो अभी जी बेबी शावर पे उनके बेटे को और उनको देखा जा सकता है। सानिया ने सिर्फ अपनी और इजहान की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं जिसमें इजहान काफ़ी शरारती मूड में नज़र आ रहा है और बड़े टाइम बाद ये बच्चा भी माशाल्लाह जो है वो कमबैक किया है। बड़ा सपोर्ट दिया है इनकी फैमिली ने, आप लोगों ने बड़ा सपोर्ट दिया है, उनको बड़ा इंकरेज किया है। क्योंकि देखें, हमारे जो माशरा है इंडिया पाकिस्तान की मैं बात करूं, वहां पे मुर्दे इल्ज़ाम तो सिर्फ औरत को ही ठहराया जाता है। औरत की तलाक हो जाए, औरत जो है वो खुला ले ले, औरत का मियाँ जो है किसी और के इश्क में प्यार में मुब्तला हो जाए, तो वहां पे सब इल्ज़ाम होता है कि तुमसे तुम्हारा मियाँ नहीं संभाला गया। अब वो कोई नन्ना काका तो है नहीं एक साल का कि गोद में आप उसको संभाल के रखें। जिसकी फितरत में धोखा होता है उसने तो धोखा देना होता है। तो हमारे मुल्क में सब ब्लेम जो है वो औरत पर डाला जाता है कि ये बड़ी गलत हरकत है, ये नहीं होना चाहिए। सानिया ने हर चेन को तोड़ा है और बताने की कोशिश की है कि हर इंसान, चाहे वो मर्द हो औरत हो, बड़ा मजबूत है, इमोशनली वो बड़ा मजबूत है, उसको मजबूत ही रहना चाहिए। आप देखें कि जहां शोएब मलिक ने तलाक के बाद जो खुला लिए, उन्होंने सना जावेद से तीसरी शादी कर ली है, पता नहीं क्यों लोग उसको दूसरी शादी रिपोर्ट करते हैं, वो दूसरी शादी नहीं है, तीसरी शादी है। पहली शादी उन्होंने इंडिया में ही की थी गालबन आयशा नाम की लड़की से, उस बेचारी की ज़िंदगी भी बर्बाद की, कहा कि जी वो पागल थी। उसके बाद दूसरी शादी इन्होंने की है सानिया मिर्ज़ा से, उनकी ज़िंदगी भी बर्बाद किया, पता नहीं उसको क्या बोला होगा। तीसरी शादी उन्होंने की है सना जावेद से, जो बिल्कुल उनकी नेचर की हैं, उन जैसी ही हैं, यानी कि दोनों की शादी हुई हुई थी और दोनों ने ही अपने पार्टनर्स के साथ जो किया आप सब जानते हैं। तो अब जी सानिया मिर्ज़ा जो हैं वो रिटायरमेंट तो उन्होंने ले ली है लेकिन वो अपनी टेनिस एकेडमी चला रही हैं, साथ ही बेटे की परवरिश भी कर रही हैं। दुआ करें जी हर उस इंसान के लिए जो एक जंग अपने अंदर लड़ रहा है और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है।
अगर कोई रिश्ता तोड़ के चला गया तो उसको बिल्कुल जाने दें। कहा जाता है ना कि आप किसी को कैद नहीं रख सकते, रखना भी नहीं चाहिए। अगर वो आपका है तो आपके पास रहेगा, और अगर उसको मुंह मारने की आदत है तो फिर उसको मुंह मारने दें। जरूर आपने जो है गंदी चीज को अपने साथ रखना है या उससे प्यार करना है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जाने से पहले आप जरूर जो है कॉमेंट करिएगा कि क्या सानिया की तरह आप सबको या जिनकी जिंदगी में सब कुछ आया है लड़ना चाहिए या गिव अप कर देना चाहिए। अगली वीडियो का इंतजार करें। बाय बाय।